नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध क्लिनिक पर छापामारी कार्रवाई। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर शहडोल स्वास्थ्य विभाग ने दबिश दिया। कार्यवाही के दौरान डॉक्टर की क्लिनिक से विभिन्न प्रकार की एलोपैथी दवाइयां जब्त की गईं। साथ ही इस दौरान उक्त क्लिनिक में मरीजों का इलाज करते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया। उक्त डॉक्टर बिना वैध डिग्री के, बिना पंजीयन के मरीजों का एलोपैथी दवाओं से धड़ल्ले से इलाज कर रहा था। अधिकारियों ने जांच कर डॉक्टर के कागजात व दवाइयों को जब्त कर क्लिनिक को भी सील किया। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 29 में आनंद दुबे नामक व्यक्ति के द्वारा लंबे समय से बिना वैध डिग्री एवं बिना पंजीयन के मरीजों का एलोपैथी दवाइयों से धड़ल्ले से इलाज कर रहा था। डॉक्टरी की दुकान खोलकर बैठे व्यक्ति ने यहां के स्वास्थ्य विभाग ने दबिश देते हुए 43 प्रकार की दवाइयां जब्त की, जिसमें अंग्रेजी दवाइयां एवं कुछ शासकीय दवाइयां भी जब्त की गई। सिरप, बोतल, गर्भ निरोधक गोलियां जैसे अनेक प्रकार की दवाइयां स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की। यह कार्यवाही BMO सचिन खारपुर एवं जिला रोजो उपचार प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के द्वारा की गई। शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश की रिपोर्ट। धन्यवाद और देखते रहे द खबरदार। सर मैं डॉक्टर कहीं लिखा है। गवर्नमेंट सप्लाई दवाई कैसे आई तुम्हारे यहाँ? इंजेक्शन लिग्नॉक्स 2% 10 इंजेक्शन जेंटामाइसिन पी जिसको लिखते जाओ उसको नीचे फेंक के जाओ जबती हूं ना इसकी बात ये तुम्हें क्यों चल रही है फोटो ले लो क्या चल रही है फोटो भी चल नहीं रही दोनों प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम देखो ये बिल्कुल इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बलि भैया क्या नाम है भैया? क्या तिवारी? पप्पू तिवारी। पप्पू तिवारी कृष्णा तिवारी इंडियन न्यूज से बोलो। शहर के अंदर डॉक्टर आनंद दुबे के नाम से एक कोई कथित क्लिनिक चल रहा था, जिसके बारे में लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसको संज्ञान लेते हुए आज डॉक्टर कारखुर, सचिन कारखुर एवं राकेश कुमार श्रीवास्तव जी की एक टीम ने हमारे कार्यालय से जा कर के इसमें क्लिनिक का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई की, जिस कार्रवाई में उन्होंने 47 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों की जब्ती बताई है, जिसमें बोतल, इंजेक्शन, सिरप, गर्भ निरोधक औषधियाँ इत्यादि वहाँ पर मिली हैं और इनके विरुद्ध पुलिस को सूचना दे दी गई है और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। निश्चित रूप से किया जाती हैं, नियमित रूप से की जाती हैं और जब भी जहां कहीं किसी तरह की शिकायत आती है या कोई मामला संज्ञान में आता है
तो बिना किसी विलम्ब के इस प्रकार की कार्यवाहियाँ होती रहती हैं और इससे जनता का स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमें सहायता मिलती इंजेक्शन एस्ट्रोपोर्ट 1 ml 2 ड्रॉप और इंजेक्शन टैक्सिन सेप्टाइजोन 1 ml हाँ बोलिए तो आगे ले जाना।